क्या नाम है? संभाजी पवार। कहाँ से? सांगली महाराष्ट्र से। अच्छा, क्या परेशानी है? वही कूल्हे में दर्द हो रहा है और अच्छा, दो साल से परेशान है। चल के बताइए जरा क्या परेशानी है। आइए। देखिए क्या क्या परेशानी आ रही है अभी इसकी वजह से। एक पैर पूरा है ना, उठा नहीं पा रहे हैं, पलथी मार के बैठ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, और पूरा पैर ही दर्द करता है। दर्द करता है कमर से नीचे तक। संभाजी पवार है, ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस की बीमारी से परेशान थे। पिछले 3 साल से आपको ये परेशानी थी। यहाँ पे आप 10 दिन पहले आए थे, आज 10 दिन इलाज पूरा हो गया, तो क्या चेंजेस हैं? क्या परेशानी थी पहले, कितना परिवर्तन अभी आया बताइए। जैसे कि पहले चलने में बहुत दिक्कत होती थी, ये इसमें एक पैर में बहुत दिक्कत हो रही थी। अच्छा, चल नहीं पा रहे थे, उठ बैठ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जैसे मतलब एकदम सही हो रहा है, कहीं दर्द नाम की कोई चीज बची नहीं, फ्री हो रहा है। हो रहा। अच्छा, पहले से जो चीजें जो पहले मोमेंट में दिक्कत थी वो मोमेंट हो रहा है अब धीरे धीरे? हाँ, सब मोमेंट हो रहा है। अच्छा, और जो परेशानियां थी पैर फैलाने में या पालथी मारने में या पैर उठाने में, उन सब में परिवर्तन है? हाँ, सब में परिवर्तन है। जैसे कि पैर पहले उठ नहीं पा रहा था। अच्छा, पूरा उठ रहा है सर। पहले दिन नहीं उठ पा रहा था। कितने दिन में ये सब चेंजेस हुए? चेंजेस तो 5वें दिन से ही चालू हुआ था। अच्छा, कोई इंजेक्शन, कोई ऑपरेशन, कोई कुछ भी ऐसा कुछ किया जिससे कोई परेशानी, कोई साइड इफेक्ट हुआ हो शरीर को? नहीं, कुछ तो नहीं। अच्छा, कोई भी एलोपैथिक दवाइयाँ या कोई इंजेक्शन लगा के इलाज किया गया आपका? ठीक है, तो क्या जो मरीज हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस के, एवीएन के, कूल्हे खराबी वाले, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे जो इस पेशेंट से इस परेशानी से बहुत ग्रसित हैं? उनके लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं एक मरीज हूँ उसका, तो मैं कहीं किसी अस्पताल में गया तो कहीं भी जाएंगे तो ऑपरेशन की सलाह देते हैं, तो भाई आप एक बार यहाँ के अपना इलाज करने की कोशिश करा लीजिए, अगर आप उसमें सही नहीं होगा तो फिर आखिरी स्टेज जो है वो ऑपरेशन ही है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अभी मैंने आपको दवाइयाँ दी हैं और कुछ बताया है कि एक्सरसाइज करनी है आपको, उसके बाद 2 महीने के बाद आपको बुलाया है। थैंक यू।